नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक। पेश है रात 9 बजे तक की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले खबरें महानगर से। बंगाल में BGBS में निवेश पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ और अमित मित्रा आमने सामने। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में निवेश को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ और राज्य के पूर्व मंत्री अमित मित्रा अब आमने सामने हैं। राज्यपाल ने एक बार फिर से BGBS में कितने निवेश हुए इसकी जानकारी मांगी। इस पर अमित मित्रा ने कहा कि पहले ही 4 पन्ने का पत्र देकर पूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई थी। दरअसल राज्यपाल ने पूर्व मंत्री अमित मित्रा से गुरुवार को यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि उनके दावे के अनुसार राज्य के किस भाग में 12.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है, कहां निवेश हुए हैं, ये जानने का बंगाल की जनता को पूरा अधिकार है। ममता सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर अमित मित्रा से मेरा विनम्र आग्रह है कि वो अपने 4 पेज के पत्र में पूरा अध्ययन करिए, बताएं कि बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के 5 एडिशंस में जो दावा किया गया है 12,30,000 करोड़ से अधिक निवेश का, वो निवेश पश्चिम बंगाल के किस भूभाग में है, वो निवेश कौन कंपनियां कर रही हैं, उस निवेश की स्थिति आज के दिन क्या है, उस निवेश से कितना रोजगार मिला है, इसका स्पष्ट रूप से संकेत वो दे। टॉलीवुड अभिनेत्री सावंती ने भाजपा से छोड़ा साथ, ट्विटर पर दी जानकारी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, सावंती के जाने से पार्टी पर फर्क नहीं पड़ेगा। 16 नवंबर से राज्य में दोबारा खुलेंगे स्कूल। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को दी अनुमति। फिलहाल कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र करेंगे क्लास। छात्र शिक्षक और अभिभावकों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, स्कूल प्रबंधन करे सुनिश्चित। अवैध संबंध के शक में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की धारदार हत्या से हमला कर हत्या कर दी। घटना न्यू टाउन के सुलनगुरी इलाके की है। मृतक का नाम प्रियंका हलदार है। वहीं पुलिस ने मामले में अभियुक्त पति रुबेल हलदार को गिरफ्तार किया है। घटना আমার বোন সকাল বেলা যাচ্ছিল ছেলেকে পড়াতে, যাবার পথে ওখান থেকে একজন ওকে ডেকে নিয়ে যায় বাড়িতে। বাড়ি যাওয়ার পরে আমার বোনাই এসে বোনাইকে এই ছেলে আমাকে বলল, আর আমার ওয়াইফও গিয়ে দেখলো, তোমার ও দা দিয়ে কুপিয়ে আজকে এসে ড্রেনে ফেলে দিয়ে ওখানে আরও অনেক লোক ওখানে পাড়ার সবাই দেখেছে ওই এলাকা। এর আগেও আমার বোনকে মারধর করে ওখান থেকে এরকম খালে ফেলে দিয়েছিল, সেটাও সবাই জানে। গিয়ে দেখে ওকে কোপাচ্ছে আরও কুপিয়ে দাটা রেখে ও ছুটে পালিয়ে গেল। ওর নাম রুবেল হালদার, আমার বোনের বরের নাম রুবেল হালদার। এক নজর জিলো কি খবরো কি ওর। आस्था के महापर्व छठ आज संपन्न हो गया। दामोदर घाट पर सूरज उगने के पहले से ही छठ व्रतियों का हुजूम उमर पड़ा। सूरज के उगते ही छठ व्रतियों ने सूरज को अर्घ्य दिया। छठ व्रतियों के अनुसार ये त्योहार करने से लोगों की मनोकामना पूरी होती है। हम लोग को जहाँ तक लगता है कि हर एक मनोकामना पूरा होता है हम लोग इस पर्व से। पूर्व बर्धमान के गलसी ब्लॉक में 35 से 40 हाथियों का झुंड इन दिनों जमकर तांडव मचा रहा है। हाथियों का झुंड इन दिनों धान के फसलों को लगातार नष्ट कर रहे हैं। वन विभाग की टीम हाथियों को वापस बांकुड़ा के जंगल में भेजने की कोशिश कर रही है। उक्त हाथियों का झुंड बांकुड़ा के सालतोला जंगल से दामोदर नदी पार करते हुए गलसी इलाके में आया है। पश्चिम मिदनापुर के डेबरा में डायन की अफवाह फैलने से स्थानीय लोग आतंकित हैं। घटना डेबरा ब्लॉक के चककुमा इलाके की है। कुछ महीने पहले स्थानीय एक महिला पर डायन का प्रकोप होने की बात कहकर लोगों ने इलाके में अफवाह फैलाया था। बाद में महिला को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच बीते कुछ दिनों से दोबारा वही अफवाह लोगों में फैल गया है। ऐसे में लोग काफी आतंकित है। फिलहाल पुलिस और स्थानीय प्रशासन की ओर से गांव में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। তারপরে মেয়েটাকে হসপিটালে ভর্তি করছিল। হসপিটালে ভর্তি করার পর ভালো ছিল, কালকে বাড়িতে নিয়ে আসছে তাও ভালো ছিল, আজকে সকাল থেকে আবার এইভাবে এরকম বিদ্রুপ শুরু করছে। যা বিদ্রুপ শুরু করছে ওর বাড়ি থেকে নু এখান অবধি হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে আসছে। আইয়ে রুখ করতে হ্যাঁ দেশ বিদেশ কি খবরো পর। ফেসবুক কি রিপোর্ট মে খুলাসা, ভাজপা আর আরএসএস নে
2019 के लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान अल्पसंख्यकों को लेकर फेक न्यूज फैलाई, लव जिहाद जैसे मुद्दे को हवा दी। कुछ खबरें इंटरटेनमेंट की दुनिया से। अभिनेत्री सारा अली खान और सिंगर ध्वनि भानुशाली को जिम के बाहर किया गया स्पॉट। आज से राजभर में माँ जगदात्री की पूजा की धूम। कोलकाता व चंद्रनगर में माँ जगदात्री की जा रही है पूजा। कई जगहों पर पूजा पंडालों में उमड़ रहे श्रद्धालु। अभी के लिए बस इतना ही। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस रात 11 बजे। नमस्कार।